कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है, लगातार ईडी पूछताछ में जुटी हुई है। वहीं अब पुलिस कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी कर रही है तो कहीं उनको गिरफ्तार कर रही है, और पुलिस इस हद तक गिर गई है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बाल को पकड़कर खींचती हुई नजर आ रही है, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं ज्योति। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, पुलिस के जवान भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी के बाल खींचते और पार्टी के विरोध के दौरान उनके साथ मारपीट करते दिखे। इस पर दिल्ली पुलिस का भी बयान सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी के बाल खींचते और पार्टी के विरोध के दौरान उनके साथ मारपीट करते दिखे। कर्मचारियों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। पहचान के बाद कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाएगी। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड से जुड़ी कथित संशोधन मामले में मंगलवार को दूसरे दौर की पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश हुई। सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी को लेकर कांग्रेस देश भर में विरोध जता रही है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ किए जाने के खिलाफ युवा कांग्रेस के सदस्यों ने मंगलवार को राष्ट्र राजधानी के जनपद इलाके में धरना किया। सदस्य तख्तियां लिए हुए थे जिन पर लिखा था, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, याद रहे सच कभी नहीं मरता। वह प्रदर्शन के दौरान सड़कों पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी के साथ सख्ती से निपटती दिखाई दी। उनके बाल खींचते हुए उनको जबरन गाड़ी में बैठाने की कोशिश की जा रही है, जिसका वीडियो आप भी देख सकते हैं। इस दौरान उनके जवानों से तीखी झड़प हुई। यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने कहा कि हम अपनी पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के खिलाफ भाजपा के प्रतिशोध राजनीति का विरोध कर रहे हैं। भाजपा सच्चाई और कांग्रेस पार्टी से डरती है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी सहित कई पार्टी कार्यकर्ताओं को, सांसदों को दो अलग अलग स्थानों संसद के पास और 24 अकबर रोड पर कांग्रेस पार्टी मुख्यालय के बाहर से हिरासत में लिया। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने ईडी की इस कार्रवाई को राजनीतिक द्वेष की भावना से की गई कार्रवाई करार दिया है और कहा है कि सत्य ही इस तानाशाही का अंत करेगा। वहीं दिल्ली में कांग्रेस के विरोधी प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस का एक जवान भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी का बाल खींचते भी नजर आया। हिरासत में लिए जाने से पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी जी राजा है और भारत की पुलिस राज है। बाद में राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि तानाशाही देखिए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं, महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा नहीं कर सकते, पुलिस और एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे, हमें गिरफ्तार भी करेंगे, कभी चुप नहीं करा पाओगे, सत्य ही इस तानाशाही का अंत करेगा। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।